कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पर पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में दिखाई दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने की खबर है। कल दोपहर करीब 12:15 बजे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक हेलीकॉप्टर के नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय हवाई क्षेत्र में आने की पुष्टि की है। मामले में भारतीय सेना के प्रवक्ता का कहना है कि पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर ने 12:10 पर हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और नियंत्रण रेखा पार कर पुंछ के गुलपुर इलाके में अंदर आ गया, लेकिन कुछ देर बाद भारतीय सीमा में ये मंडराने के बाद ये वापस लौट गया। वहीं ये भी खबर आ रही है कि व्हाइट कलर के इस हेलीकॉप्टर में पीओके के पीएम रजा फारूक हैदर सवार थे। एक शोक सभा में शामिल होने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर के तुरारी इलाके में उड़ान भरे थे। तो तस्वीरें भी आपको यहां पर इस हेलीकॉप्टर की दिखा रहे हैं, जहां पीओके के पीएम के हेलीकॉप्टर की होने की बाद में ये खबर मिली थी। पुंछ में पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर दिखा था, तस्वीरें भी आपको यहां पर दिखा रहे हैं। सफ़ेद रंग का ये हेलीकॉप्टर था। दोपहर 12:15 बजे के करीब ये हेलीकॉप्टर दिखाई दिया था।